हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक टेक्नो टॉक चैनल में। और दोस्तों, आज की हम वीडियो में एक और ऐसी ही ट्रिक बताएंगे आपको, चार ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें कि आप अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी है चार सेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप 90% तक आप अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ और बताता हूँ आपको वो कौन सी चार सेटिंग है जो आपके फ़ोन को हैंग होने से बचा सकती है। फ्रेंड्स, फ़ोन चलते चलते, हमारा मोबाइल चलते चलते कई ऐसे सारे जंक बन जाते हैं जिससे कि हमारा मोबाइल जो है बहुत हैंग करने लगता है। गेम खेलते हैं तो हैंग करने लगता है, कभी कोई ज़रूरी काम कर रहे तो रहे होते हैं उस समय हैंग करने लगता है। तो इन सब का मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हो। प्ले स्टोर में हमको जाना है और प्ले स्टोर के चार ऐसे सेटिंग हमें कर देनी है जिससे कि हमें अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकें। तो फ्रेंड्स, वो चार सेटिंग कौन सी है, चलिए हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर ना समझ में आए डिसलाइक कर देना। तो चलो फ्रेंड्स, वो कौन सी सेटिंग है प्ले स्टोर पर, हम आपको बताते हैं। चार ऐसी सेटिंग जो गुप्त सेटिंग है प्ले स्टोर की, जो हम लोग ऐसे ही अधूरा छोड़ देते हैं जिससे हमारे मोबाइल में, फ़ोन में हमारे जंक बन जाते हैं और स्पेस भी कम हो जाते हैं, हमारा रैम भी कम हो जाता है। और कैसे हम इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो सेटिंग चार कौन सी है फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना तभी कुछ समझ में आएगा, और स्किप कर करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें चलना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे। ये हमने प्ले स्टोर खोल लिया, सबसे पहला सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सबसे पहला सेटिंग। उसमें हमें क्या देखना है कि हमें अपने यहाँ प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं, प्रोफाइल सेक्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि नीचे आना है और देखना है हमें ये सभी के मोबाइल में, ये एप्लीकेशन में सभी का सेम ही होता है और ये ऑप्शन सबके सेम ही होते हैं प्ले स्टोर के। तो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनका मैं बता रहा हूँ, अदर का नहीं, केवल एंड्रॉयड फ़ोन का सबका सेटिंग एक ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले वाले ऊपर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, मैनेज ऐप एंड डिवाइस, हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमें देखना है सबसे ऊपर यह मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, ये जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं ये सारे हमारे जो हमने इंस्टॉल करके रखे हैं फ़ोन में, वो सारे ही एप्लीकेशन हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्लिक करना है ये इंस्टॉल्ड पे, क्लिक करना है, देख रहे हैं ग्रीन बॉक्स में इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड पे क्लिक करना है। इंस्टॉल्ड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है इसमें देखिए क्या करना है, नीचे आना है और नीचे देखना है कि ये नॉट इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है। ये तो हमारे सारे हो गए जो इंस्टॉल है, लेकिन हमें नॉट इंस्टॉल्ड वाले पे क्लिक करना है। हमने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया फ्रेंड्स, इतने सारे आप देख सकते हैं ये सब एप्लीकेशन जो है ये पहले से हम लोग जो डाउनलोड किए थे और उसको हम लोगों ने अनइंस्टॉल किया है, लेकिन वो फ़ोन से परमानेंटली अनइंस्टॉल नहीं होता है, डिलीट नहीं होता, रिमूव नहीं होता। ये बैकग्राउंड में जंक बनाते रहते हैं और फ़ोन को स्लो करते रहते हैं, रन करते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है इनको परमानेंटली हटाने के लिए, हमें क्या करना है, ये हमें देख सकते हैं ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्लिक करना है। आप देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये 19 MB ऊपर लिखा हुआ आ गया। फिर अगर हम दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए 55 MB हो गया, तीसरे को सिलेक्ट किया 72 MB, ये चौथे को सिलेक्ट किया 92 MB। तो ये सब हमारे स्पेस को जो है कवर करके रखे हैं, रैम को कवर करके रखे हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन सारे को जो है एप्लीकेशन को हटाना है, परमानेंटली रिमूव करना है, जो कि हमें फ़ोन को हैंग करते हैं, बैकग्राउंड में रन करते हैं और रैम को का स्पेस भी ये लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो है ये ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हैं हम डिलीट पे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इस पर हमें जो है ये क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप, यहाँ रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, हमें रिमूव कर देना है। देखिए ये नीचे देखिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, हमें इसमें रिमूव कर देना है। जैसे रिमूव कर दिया वो प्ले स्टोर से हमारे हट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा हम सारे को करेंगे, तो आप जो है जितने भी ये ऐप हैं सारे ये आपको डिलीट कर देना है, ऐसे ही सिलेक्ट कर करके एक एक करके सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। पहली सेटिंग ये हो गई। अब दूसरी सेटिंग हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर हमें वही प्रोसेस करना है, हमें आना है अपने प्रोफाइल सेक्शन पे। प्रोफाइल सेक्शन पे आने के बाद, प्रोफाइल सेक्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स, हमें देख सकते हैं आप नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये हमें सेटिंग दिख रही है, सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें देख सकते हैं ये नेटवर्क, जो दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क प्रीफ्रेंस, हमें नेटवर्क प्रीफ्रेंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स,
देख सकते हैं आप, ये दूसरा सेटिंग ये करना है, ये जो है ऐप डाउनलोड प्रिफ्रेंस है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप ऐप डाउनलोड प्रिफ्रेंस ओवर ओनली ओवर एनी नेटवर्क, मतलब इसको जो है कोई भी नेटवर्क पे ये करेगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले आस्क मी एवरी टाइम, इसमें आस्क मी एवरी टाइम पे कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो हमें और यहाँ से डन कर देना है। दूसरा दूसरा हो गया सेटिंग। अब तीसरा सेटिंग हमें क्या करना है, ये ऑटो अपडेट ऐप्स, ऑटो अपडेट ऐप्स को जो है हमें खोलना है। खोलने के बाद ये ओवर एनी नेटवर्क ओवर वाईफाई ओनली और डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसमें ये करने से फ्रेंड्स क्या होगा, हमें तीसरे नंबर पे क्लिक करना है। और ये करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे ऐप वाले हैं डेवलपर जो हैं वो बार बार हमें अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं बिना मतलब के। तो फ्रेंड्स ये हमें जो है ये नहीं करना है, हमें जो है जो भी एप्लीकेशन अपडेट करना है उसको मैनुअल करना है, अपने से करना है, महीने में एक दो बार कर लिया कर लिया। लेकिन ये ऑटो अपडेट अगर रखेंगे तो मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल रख के सो रहे हैं, तो रात में पता चला ऑटो अपडेट रखे हैं, रात में ही वो उससे बैटरी भी कंज्यूम करेगा ये, और एप्लीकेशन डेटा भी ख़त्म होगा और ऑटो अपडेट रहेगा तो अपने से डाउनलोड भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें इसको नहीं रखना है, हमें डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमें डन पे क्लिक कर देना है, ठीक। अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं चौथे सेटिंग की तरफ, ये ऑटो प्ले वीडियो, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें देख सकते हैं ऑटो प्ले वीडियो एट एनी टाइम, ये हमें नहीं रखना है। ऑटो प्ले वीडियो ओवर वाईफाई ओनली, इस पर भी नहीं रखना है। हमें जो है डोंट ऑटो प्ले वीडियोज, इसका मतलब आप शायद समझे नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ आपको कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम प्ले स्टोर खोलते हैं तो आप देखे होंगे कि अगर कोई हम एप्लीकेशन अगर खोलते हैं, जैसे मान लीजिए पेटीएम है, इसके सामने ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो पड़े हुए हैं ये अपने से प्ले होने लगते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो वीडियो चल रहा है, इधर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या कुछ करेंगे तो उधर वो भी चलता रहे, तो इससे हमारा मोबाइल को डिस्टर्ब होता है और मतलब कि ये हैंगिंग प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। तो हमें जो है ये वीडियो ना चले, इसी के लिए हमें वो सेटिंग करनी होती है। तो हमें फ्रेंड्स फिर से जाना है अपने, फिर उसको उसी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर आने के बाद और जो ऑटो अप प्ले वीडियोज़ है इनको हमें बंद कर देना है, डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डन कर देना है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अपने बैक आ जाना है। चारों सेटिंग हमने आपको बता दिया और ये सेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त काम आता है और आपको हैंगिंग प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा ये बचाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ना समझ में आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर समझ में आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाना है।